मठ के सभी वृंदावन व मथुरा के गौड़िया मठों के अध्यक्ष की नियुक्ति इस दौरान लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ में आचार्य भक्ति विराज विष्णु महाराज को सभी चैतन्य गौड़िया मठ आश्रमों का अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसमें गौड़िया मठ प्रेमियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उनकी आरती उतारी। वहीं कुछ भक्तों ने उसके समक्ष हरे कृष्ण के संकीर्तन पर नृत्य कर उसको बधाई दी। वहीं इस मौके पर वृंदावन मठ के इंचार्ज हृदान्ति महाराज, दिल्ली मठ के इंचार्ज नरसिंह महाराज, जयदेव प्रभु, गोपाल प्रभु, नवीन कृष्ण प्रभु, विष्णुकांत भारद्वाज, प्रवीण राखोरी आदि भक्त इस कार्यक्रम में शामिल रहे। मनोज अग्रवाल, वृंदावन, समाचार 24। हमारे क्या नाम है आपका? मुझे स्वामी भक्ति विचार विष्णु कहते हैं। चेतन गौड़िया मठ में आपको क्या पद का दायित्व दिया गया? अभी 4 जुलाई को जितना भी चैतन्य गौड़िया मठ का संत समाज है, ग्रस्त भक्त समाज है, उन्होंने मुझको अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य और अध्यक्ष का पद दिया है। ये बहुत बड़ा जिम्मा मेरे कंधों पर दिया है। जिस प्रकार से चैतन्य गौड़िया मठ जनता की सेवा करता रहा, आप इसको किस प्रकार से और आगे ले जाएंगे? देखो जी, हमारा चैतन्य महाप्रभु का एक ही मकसद था कि घर घर में सभी के अंदर जात पात से ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को ये चेताना कि वे भगवान के नित्य दास हैं, भगवान का भजन करना उनका एक बड़ा कर्तव्य है। ये हमारे चैतन्य गौड़िया मठ में बहुत साल से, क्योंकि हमारे जो चैतन्य गौड़िया मठ के पुराने इससे पहले आचार्य थे, बहुत बुजुर्ग थे, 90+ थे, उनसे पहले भी इसी प्रकार थे, तो लगभग 10-12 साल से हमारा प्रचार एक तरह से रुका हुआ था। गांव-गांव में शहर शहर में नहीं हो रहा था, तो वो जो कार्य है गांव-गांव में शहर शहर में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना, इस कार्य को मैं अपने को लूँगा। हर्ष जी, एक पश्चिम बंगाल की साइड से आते हैं, हमारा कैसे चेतन महाप्रभु का अलवर में जिला